अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान इफ्तार स्पेशल, एक ही बैटर से तीन रेसिपीज। बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया ये बन के रेडी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले ले एक बाउल। बाउल में हम डालेंगे 2 कप बेसन, 1 टेबलस्पून चावल का आटा राइस फ्लावर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/4 स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून, बेकिंग सोडा 1/4 स्पून, थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 टीस्पून। आप कर लें इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसका एक थिक सा गाढ़ा सा बैटर बना के रेडी कर लेंगे। लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर ले और एक गाढ़ा वाला बैटर बना के रेडी कर ले। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है, लम्स नहीं है इसमें। इसे अच्छी तरीके से 1-2 मिनट के लिए फेंट ले। तो ये है हमारी कंसिस्टेंसी। तो ये हमारा बैटर रेडी है, अब हम इसे साइड में रख लेंगे। ये इमली का पल्प है, ये इमली के पल्प में हम अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार या थोड़ा सा, लाल मिर्च थोड़ी सी 1/4 स्पून। अब इसे कर ले मिक्स। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लिया है, अब इसे रख लेंगे हम यहीं पर साइड में। अब हम लेंगे मिर्ची। सबसे पहले हम मिर्चियाँ बनाएंगे। तो मिर्ची को मैंने बीच में से कट करके इसके बीच में जो खारा पार्ट होता है मिर्ची का वो मैंने निकाल लिया है। उसकी जगह पर हम ये जो हमारा इमली का पल्प है ये पेस्ट हमें डाल लेना है। अच्छी तरीके से फिल कर ले, इससे हमारे मिर्चियों का टेस्ट डबल हो जाता है। बहुत ही बढ़िया हमारे मिर्चियाँ बन के रेडी होते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर फिल कर ले। इसी तरीके से अच्छे से फिल करके हम सारे मिर्चियों को रेडी कर लेंगे। उसके बाद में मैं आपको फ्राई करना बताऊंगी। तो ये मैंने तेल को गरम होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है और ये बेसन है जो हमने अभी इसका बैटर बना के रखा है और ये मिर्चियां हैं जो हमने सारी फिलिंग करके रेडी रख लिए हैं। तो अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तेल हो गया है गरम, तो अब हम ये बैटर में हमारी मिर्ची को अच्छी तरीके से डिप करेंगे। अच्छे से इसके ऊपर बैटर लगा ले और इसे उठाकर हमें इस ऑयल में अच्छे से डाल देना है। ऑयल बहुत ही अच्छा गरम होना चाहिए, डाल ले। तो अब हम इसी तरीके से सारे मिर्चियों को फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे। तो ये हमारे मिर्चियों को हमने इसमें डाल लिया है। तो अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक और अच्छे से क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक साइड से तो इसका बढ़िया वाला कलर आ चुका है, बहुत ही टेस्टी ये लग रहे हैं। तो अब इसे दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई कर ले। तो ये हो गए हैं दोनों साइड से रेडी। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये बनके रेडी होते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो सारे हम मिर्चियों को इसी तरीके से कर लेंगे फ्राई। तो ये हमारे रेडी मिर्ची है जो अभी हमने निकाले हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
तो अब यही सेम बैटर जो आधा बच गया है उसमें हम डालेंगे अंडे के बॉइल्ड एग्स है, छिलका निकाल लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम अच्छे से बेसन का जो बैटर है वो लगा लेंगे। हम इसके अंडे बोंडे बनाने वाले हैं और ये गर्मा गर्म ऑयल में हमें डाल देना है। आप हाथ से भी डाल सकते हैं या फिर आप स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं। सारे अंडे बुंडे मैंने डाल लिए हैं। अब इसको हम दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया वाले अंडे बॉन्डे बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। तो अब जो लास्ट बचा हुआ थोड़ा सा बैटर है इसको मैंने थोड़े से पानी डालकर थोड़ा सा पतला कर लिया है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी डाल ले। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को मैंने छिलका निकाल कर बारीक से कट कर लिए हैं पीसेस में। अब इसे हम इसमें डिप करते जाएंगे ये बेसन में और ये गर्मा गर्म ऑयल में ये डालते जाएंगे। ये हमारे आलू के भजिए बनके रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से डिप करते जाए और गर्मा गर्म तेल में इसे डाल दे। सारे इसी तरीके से डाल ले। अब इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया वाले हमारे आलू के भजिए बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम सारे चीजों को सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया हमारे एक ही बैटर से तीन चीज़ें, तीन रेसिपीज़ बन के रेडी हो चुके हैं। इस चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया है। ये हरी चटनी है, आप टमाटो केचप या इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी होते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगने लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।